हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम ऑल गाइस, आज मैं आया हूँ तुर्किश पिज़्ज़ा और बारबेक्यू खाने के लिए और ये है मेन रोड जीटी रोड के ऊपर और इधर ही पास ये रेस्टोरेंट है। तो ट्राई करते हैं आज ये कि यहाँ पे क्या क्या अच्छा खाने को मिलता है। चलते हैं ऊपर, दिखाता हूँ मैं आपको आज का मेन्यू। और अगर आप लोग फूडी हैं और बहुत ज़्यादा फूड लवर हैं तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलें अंदर चलते हैं। ये इनका किचन है और यहाँ से ऊपर जाने की जगह। किसी भी फूडी तबीयत इंसान के लिए सबसे पजल टाइम होता है ये, जब उसके सामने आ जाए किसी भी रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड। जैसे इस वक्त मेरा हाल हो रहा है, मैं खाने आया हूँ डबल लावा शॉर्मा और बाकी चीज़ें देख के जो है ना मेरा जो है दिमाग पजल हो रहा है। तो जी मैंने ऑर्डर किया है डबल लावा शॉर्मा और मेन्यू में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बाकी फिर कभी आके खाई जाएंगी। फिलहाल डबल लावा। यहाँ अगर आप आने का सोच रहे हैं तो यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आप आ सकते हैं बड़े आराम से। टोटल प्राइवेसी में सिटिंग है और आप अपने खाने को आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। और मैं भी ऑर्डर देके बैठा हुआ था लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, तो इसलिए अब मैं चलने फिरने लग गया हूँ और विंडो से बाहर देख रहा हूँ कि मेरा ऑर्डर कब तक आएगा। भूख से मेरे पेट में चूहा छलांगे लगा रहा है। हाँ, तारीफ सुन के ही आए हैं यहाँ पे खाने के लिए। मुझे भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मुझसे रहा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं नीचे गया हूँ इनके किचन में और बोल के आया हूँ कि जल्दी कर दो यार, कहीं मैं भूख से जान ना निकल जाए मेरी। इस टाइम मेरा हाल इस बिल्ली की तरह ही है, ये भी खाना ढूंढ रही है और मैं खुद ऑर्डर दे के इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब आएगा मेरा खाना। क्या चीज़ है देखने नहीं पता चल रहा कि कोई बला चीज है। जी जी कोल्ड ड्रिंक पैन, एक स्प्राइट, एक कोक मक्खन मार, ये फ्राइज भी दे रहे हैं। स्पेशल होते हैं, आपका मेन्यू नहीं है फ्राइज। इसमें से बहुत ज़्यादा लावा लावा निकल गया। अच्छा सर, वो कोडिंग एक स्प्राइट हाफ, सर एक कोक्स, हाफ लीटर, बहुत अच्छा वाकई में अच्छा। तो हाफ लीटर एक ही लेके आओ, सिर्फ एक कौन सी स्प्राइट को कोक ले। मैं नहीं छोड़ा, मैं तो छोड़ा, मैं तो सारा खा के जाऊंगा। तो ये था तुर्किश पिज़्ज़ा एंड बारबेक्यू। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे जो डबल लावा शॉर्मा खाया उसने मेरा पेट फुल कर दिया और अच्छा टेस्ट था, बहुत मज़ा आया। कभी आप भी अपनी फैमिली के साथ जीटी रोड से गुजर रहे हो, और बल्कि मैं आपको इसका रूट समझा देता हूँ कि अगर आप लाहौर से कभी मुरीद के साइड पर आ रहे हैं काला शाह काकू इंटरचेंज से, तो यहाँ पर आपके लेफ्ट साइड पर आएगा मेन जीटी रोड पर टोटल का पेट्रोल पम्प और यहीं पर ये वाक़ा है तुर्किश पिज़्ज़ा एंड बारबेक्यू। तो मैंने आज जो ट्राई किया उसका मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैं इसे देता हूँ 10 में से 8.5 नंबर, क्योंकि और भी बहुत हैं खाने पीने की चीज़ें। लेकिन अगर आप खाने के शौकीन हैं और आप कहीं पे फूड सर्च कर रहे हैं तो आप यहाँ कभी चक्कर लगाएं तो ज़रूर यहाँ आके आप यहाँ का जो शॉर्मा है वो ट्राई कीजिए और इधर की बारबेक्यू भी बहुत मज़ेदार है जो मैंने अभी पैक करवाई है और वो मैं घर जाके खाऊँगा बाद में। तो गाइज अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह मैं आपको नेक्स्ट टाइम किसी और एक्साइटिंग जगह पे लेके जाऊंगा और वहां का व्लॉग बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो गाइज यहां पे सबसे मज़े की चीज़ ये भी है कि ट्रकों का साउंड आपको बराबर आता रहेगा और आपको लाहौर की याद भी दिलाता रहेगा। सो गाइज मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।